नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मीन डेविएशन के सभी मेथड्स को सीख लिया था। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 15.1। तो इसके लिए बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हमारे पास डेटा है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इस क्वेश्चन के अंदर हमने मीन डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करना है अबाउट मीन। तो इसके लिए हम मीन निकालेंगे। तो हमारे पास एक्स आई वैल्यूज हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर हम क्या लेंगे, इन सभी टर्म्स का एडिशन। तो इन सभी टर्म्स का एडिशन हमारे पास आ रहा है 80। तो यहां पर हमारे पास जो मीन आएगा 80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 है, तो मीन हमारे पास कैलकुलेट होकर आया 10। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेविएशंस को कैलकुलेट करना, एक्स आई माइनस ए। मीन को चाहे तो आप एक्स बार लिखें या फिर ए लिखें। तो सभी एक्स आई वैल्यूज में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है मीन को, तो 4 माइनस 10 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास -6। 7 माइनस 10 विल बी इक्वल टू -3। देन -2, -1, 0, 2, 3 एंड 7। इसके बाद हमारा स्टेप होगा एक्स आई माइनस ए की मैग्नीट्यूड वैल्यू। मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या करती है, जितनी भी टर्म्स हमारे पास नेगेटिव हैं, उनको पॉजिटिव बनाएगी। 6, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7। तो ये हमारे पास जो एडिशन आएगा वो देखिए, दिस इज 9, 9 और 3, 12। तो यहां पे हमारे पास 12 एंड 12, दिस इज 24। तो इस तरह से जो मीन डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, सिग्मा एक्स आई माइनस ए इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये एडिशन हमारे पास 24 आई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 है, तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या आ जाते हैं 3। तो इस तरह से जो मीन डेविएशन था हमारे पास, ये अनग्रुप डाटा के लिए जिसमें हमारे पास कोई इंटरवल नहीं है या एक्स आई की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं गिवन। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यानी कि अब हमने जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है, तो उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे मीडियन को। मीडियन के लिए हम पहले जो डाटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इज, जो डाटा हमारे पास है 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास कितनी है 12। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास यहां पर 12 है। तो डाटा को हम अरेंज करेंगे सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 10। 10 के बाद अगर हम 11 को चेक करेंगे तो 11 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 2 टाइम्स। देन 12 इज कमिंग 1 टाइम। देन 13 इज 1 एंड 2, 2 टाइम्स। 14 इज कमिंग 1 टाइम। 14 के बाद हमारे पास है 16, 1 टाइम, 2 टाइम। देन 17 इज कमिंग 2 टाइम एंड 18 इज कमिंग 1 टाइम। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या है। इसके लिए हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है 12 एंड दैट इज इवन नंबर। जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक इवन नंबर है तो हमारे पास कितनी मिडिल टर्म होती है, 2 मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म्स हमारे पास अगर 2 है तो फर्स्ट मिडिल टर्म विल बी
12/2 एक टर्म, जो दूसरी होगी उसकी नेक्स्ट होगी, तो यहाँ पे 12/2 कौन सी टर्म बन रही है, दैट इज 6 टर्म। तो एक हमारी 6 टर्म होगी, दूसरी 7th होगी और डिवाइड बाय 2 लेंगे। तो 6 ऑब्जर्वेशन अगर हम ऊपर से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी 6 टर्म है और ये हमारी 7 टर्म है। तो 13 + 14/2 दैट इज इक्वल टू 27/2 और इट इज इक्वल टू 13.5। तो ये हमारा जो है मीडियन कैलकुलेट हुआ है 13.5। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो हमारी एक्स आई वैल्यूज है इसमें से हम क्या करेंगे, मीडियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से जब हम 13.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू आ जाती है -3.5। सिमिलरली 11 में से जब हम 13.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2.5, देन -2.5, देन -1.5, 0.5, 0.5, ये दोनों वैल्यूज भी नेगेटिव आएंगी, देन 0.5, 2.5, 2.5, नेक्स्ट वैल्यू 3.5, 3.5 एंड लास्ट वैल्यू विल बी 4.5। इसके बाद हमने इन वैल्यूज के ऊपर मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड क्या करता है, जो भी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, 2.5, देन 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 एंड 4.5। अब हमारे पास जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है, 12, यानी कि डिवीजन में हमारे पास 12 आएगा, लेकिन एक्स आई माइनस मीडियन की मैग्नीट्यूड वैल्यू जो आई है इनका हम क्या करेंगे, एडिशन लेंगे। तो वो एडिशन हमारे पास कितना आ रहा है, 28। तो जब 28 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आ रही है 2.33। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या था, मीडियन था। मीडियन के लिए हमने नंबर ऑफ टर्म्स को देखना है, वो एक हमारे पास इवन नंबर है। जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक इवन नंबर होगा तो मीडियन के लिए हमारे पास दो मिडिल टर्म आती है, एक तो हमारे पास 12/2 यानी कि 6 टर्म, 6 टर्म की नेक्स्ट होगी 7 टर्म, तो इन दोनों का प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2। इसके बाद हमारे स्टेप वही है कि जो भी एक्स आई टर्म्स हैं उसमें से हमने मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड वैल्यू का सम लेंगे, वो हमारे पास 28 आया डिवाइड बाय एन, तो वो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता है, मीन डेविएशन। ये हमारे पास था मीन डेविएशन का फॉर्मूला अबाउट मीडियन, जिसमें हमने अनग्रुप डाटा यूज किया है। नेक्स्ट जो हमारा 4th क्वेश्चन है सेम है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, लेकिन जो हमारे 5th क्वेश्चन है उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि वो एक ग्रुप डाटा है जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एफ आई और एक्स आई दोनों गिवन है, यानी कि डाटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। कोई डाटा कितनी बार है, 2 बार 3 बार, तो ऐसा डाटा जिसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5th क्वेश्चन इज एक्स आई वैल्यूज एफ आई वैल्यूज, एक्स आई वैल्यूज आर 7, 10, 15, 20, 25 और एफ आई वैल्यूज है हमारे पास 7, 4, 6, 3, 5। तो इसमें हम मीन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, डायरेक्ट मेथड है मीन का, जिसमें हम दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, 7 × 5, 35, ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो यहाँ 40, देन 90, 60, 125। तो मीन के लिए हमने ये जो
सिग्मा एफ आई एच से लेना है, इन सभी टर्म्स का एडिशन आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कहां से आएंगी, फ्रीक्वेंसी के एडिशन से। तो फ्रीक्वेंसी के जो एडिशन है वो हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं 11, 11, 17, 20 और दिस इज 25। इनका जो एडिशन है वो हमारे पास आ रहा है 350। तो मीन हमारे पास क्या आएगा, 350 डिवाइड बाय 25। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर जो मीन आएगा वो आएगा 14। तो इसके बाद हमारा जो कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस मीन, तो ये हमारी एक्स आई टर्म्स है, एक्स आई में से हमें ये जो मीन वैल्यू है ये घटानी है। तो 5 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो वो वैल्यू आएगी -9, देन -4, फिर हमने 15 को घटाना है, 15 में से जब हम 14 घटाएंगे देन 1, 6 एंड 11। फिर हमने इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी है, एक्स आई माइनस मीन इन मैग्नीट्यूड 9, 4, 1, 6, 11। नेक्स्ट स्टेप इज जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको हमने एक्स आई माइनस मीन जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम आएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन इन मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 7 इंटू 9, दैट इज 63, देन 4 इंटू 4, 16, 6, 18 एंड 55। तो अब हम इनका एडिशन लेंगे, एडिशन में हमारे पास क्या आएगा, 9, 9 plus 6, 15, 20, 28, 8, 9, 10, 158। तो हमारे पास जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एन, यानी कि जो हमने यहां पर एडिशन लिए वो हमारे पास क्या आई है 158। एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़, वो हमारे पास है 25। तो इनको भी जब आप डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 6.32। तो देखिए मीन डेविएशन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मीन को कैलकुलेट किया यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कॉलम हमने बनाया एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये हमारे पास 350 आया इसका जोड़ और ये नंबर ऑफ टर्म्स है 25। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया मीन, मीन की वैल्यू हमारे पास 14 आई थी, तो एक्स आई माइनस मीन ये हमने कॉलम बनाया, यानी कि एक्स आई टर्म्स में से हमने मीन को घटाया, फिर हमने उन टर्म्स को प्लस कर दिया, मैग्नीट्यूड वैल्यू दी है, जो भी टर्म्स नेगेटिव है वो प्लस में आ गई, देन हमने इस कॉलम को एफ आई कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई, फिर हमने इनका एडिशन लिया, तो मीन डिवीजन का जो हमने फॉर्मूला है वो अप्लाई किया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सेम आपको ट्राई करेंगे। नाउ 7th क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। तो 7th क्वेश्चन में हम मीडियन निकाल लेंगे पहले, उसके बाद मीन डिवीजन अबाउट मीडियन है, एक्स आई वैल्यूज 5, 7, 9, 10, 12, 15, एफ आई वैल्यूज 8, 6, 2, 2, 2, 6। तो मीडियम के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सीएफ कॉलम बनाएंगे, सीएफ कॉलम क्या है, सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़ है स्टेप बाय स्टेप, पहले तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन 8 है, 8 में जब हम 6 को जोड़ेंगे यहां पे आएंगे 14, 14 में जब हम 2 को ऐड करेंगे यहां वैल्यू आएगी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, देन 20, देन 26, यानी कि यहां पर हमारे पास जो n है वो कितना आया 26। तो 26 क्या है, एक इवन नंबर, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि मीडियन के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एक इवन नंबर है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होती है, तो
26 का जब हम हाफ लेते हैं यानी कि n बाई टू करेंगे तो हमारे पास पहली जो मिडिल टर्म होगी वो 13 होगी और सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगी 14। तो हम ध्यान रखेंगे कि यहां तक हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन हैं, यानी कि जो 13 और 14 ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 7 होगी। तो मीडियम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 14 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। 13 ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास 7 है और 14 ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास 7 है। तो इस प्रकार जो हमारा मीडियन है वो क्या कैलकुलेट हुआ, 7। तो नेक्स्ट हमारे वही स्टेप है xi माइनस मीडियन का मैग्नीट्यूड, देन fi इंटू xi माइनस मीडियन का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे कॉलम बनेंगे, ये हमारी xi वैल्यूज है। xi में से जब हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया -2, 0, 2, 3, 5, 8 मैग्नीट्यूड वैल्यू में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। देन fi इंटू यानी कि इस कॉलम को हमने fi कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 16, 0, 4, 6, 10, 48। तो ये हम एडिशन लेने जा रहे हैं, हम 16 प्लस 4 20, 26, 36 में 48 ऐड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 84। नाउ व्हाट इज द मीन डेविएशन फॉर्मूला अबाउट मीडियन, दैट इज सिग्मा fi xi माइनस मीडियन डिवाइड बाय n। तो ये हमारे पास एडिशन आया है 84 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 26। तो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 3.23। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ले रही है सभी को। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो मीडियन है हमारे पास वो ही हमारे पास थोड़ा सा चेंज होते हैं कि मीन का फॉर्मूला अलग है और मीडियन का फॉर्मूला अलग है। वो डिपेंड करता है मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर, दैट इज इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर तो हमारे पास ऑड नंबर आता है तो हमारे पास एक ही मिडिल टर्म होती है और वही हमारा मीडियन होता है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक इवन नंबर है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होती है, एक तो वही होगी जो 26 का हाफ लेंगे तो वो होगी 13 टर्म और एक उसकी नेक्स्ट होगी 14 टर्म। तो 13 और 14 टर्म कौन सी है, सीएफ के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारी 8 ऑब्जर्वेशन है तो 13 और 14 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है तो वो हमारे पास होगी 7। तो यहाँ पे हमने मीडियन के लिए दो टर्म्स लिए, 7 प्लस 7 बाय 2, दैट इज 7। उसके बाद हमारे कॉलम सेम है। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसके लिए मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा है। इसमें क्या है, हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सआई वैल्यूज निकालेंगे। एक्सआई वैल्यूज क्या है, क्लास मार्क्स यानी कि जो इंटरवल्स हमारे पास गिवन है इनकी मीन वैल्यूज लेंगे। 0 में 100 जोड़ेंगे और उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50, 100 प्लस 200 और उसका हाफ। तो इस तरह से ये सारी मीन वैल्यूज हमने लिखनी है, एक्सआई वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हम मीन निकालने जा रहे हैं वो शॉर्टकट मेथड में अप्लाई करेंगे। मीन मेथड के लिए हमने क्या लिया, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई एन इंटू एच। ए क्या है, दिस इज द एज्यूम्ड मीन यानी कि एक्सआई वैल्यूज में से हमने किसी एक नंबर को एज्यूम कर लिया, ये हमारे पास ए वैल्यू है। इसके बाद हमने क्या किया, यू आई को कैलकुलेट किया। यू आई का फॉर्मूला है एक्सआई माइनस ए डिवाइड बाई एच। ए वही वैल्यू है जिसको हमने एज्यूम किया है। एच हमारे पास क्या है, इंटरवल्स के बीच में दूरी है, दूरी कितनी है 100 की है। तो एक्स आई माइनस ए यानी कि जैसे 350 है, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी -1। तो ये हमारे पास यू आई वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें कॉलम क्या चाहिए, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई के लिए हमें इस यू आई कॉलम को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। 4 इंटू -3 इक्वल टू -12, 8 इंटू -2 -16। तो ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये कॉलम बन जाते हैं। तो इसके बाद जो हमने मीन कैलकुलेट करना है उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे,
ए की वैल्यू 350 जो हमने एज्यूम की थी, प्लस में एफ आई यू आई का जोड़। तो एफ आई यू आई का जोड़ हमारे पास कितना आया है, 4 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास क्या है, सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़ 50 है, मल्टीप्लाई में एच वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास मीन आ जाता है 358। उसके बाद हमारे कॉलम वही है पुराने कि एक्स आई वैल्यूज में से हमने मीन को घटाना है और उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी है, फिर उस मैग्नीट्यूड वैल्यू को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी, जैसे कि ये पॉजिटिव हो जाएगी तो उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कॉलम बन जाता है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन। और फिर हमारे पास जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन डिवाइड बाय एन। तो ये हमारे पास जो जोड़ आया था उसको हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन 157.92। इसके बाद है हमारा 12th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एज फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पर्सन गिवन बिलो। तो इसके लिए भी आप देखिए, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन था, लेकिन आप देखिए ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है, इनमें गैप है, यहाँ पे 20 वैल्यू है, यहाँ पे 21 है, और यहाँ 25 और यहाँ 26, यानी कि इनकी जो कॉन्टिन्यूटी है उनको हम बनाएंगे। किस तरह से इनका बीच में हम गैप देखेंगे, 20 और 21 का गैप कितना है, 1 का गैप है, तो 1 का हाफ करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 0.5, यानी कि अपर वैल्यूज में हमने 0.5 को एड करना है और जो लोअर लिमिट्स है हमारे पास उनमें हमने 0.5 को माइनस करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्लास इंटरवल्स है कॉन्टिन्यू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 20.5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 20.5 हो जाएगा। जब इसमें ऐड करेंगे 0.5 तो 25.5, और यहाँ पे जब 26 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25.5। तो इस तरह से हमारी कॉन्टिन्यू सीरीज हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास ये गैप 2 का होता तो हम 2 का हाफ लेंगे 1, तो फिर हम 1 प्लस करते और 1 माइनस करते। तो इस प्रकार से जो क्लास इंटरवल जो कॉन्टिन्यू सीरीज में नहीं होता तो उसको कॉन्टिन्यू किया जाता है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इसमें क्या करना है कि जब हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो हमें एक कॉलम चाहिए सी एफ का, सी एफ क्या है, सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़ है 1/1, यहाँ पे पहली टर्म हमारे पास 5 में 6 को ऐड करेंगे 11, 11 में 12 को ऐड करेंगे 23 में 14 को ऐड किया 37, और इस प्रकार से ये टोटल एडिशन हमारे पास आती है 100। तो 100 का जब हम हाफ लेते हैं तो वो वैल्यू आती है हमारे पास 50। तो सी एफ के अंदर हम वो वैल्यू देखते हैं जो एन बाय टू, यानी कि 50 या 50 से ज्यादा हो, वो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 63, क्योंकि यहां तक हमारी ऑब्जर्वेशन 37 होती है, यानी कि जो 50th ऑब्जर्वेशन है यहां पर होगी। तो इसके सामने जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट एल होगी 35.5, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है एफ होगी, और 63 के ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी सी एफ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच हमारे पास है जो क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप है, दूरी है, वो हमारी दूरी 5 की है। तो ये वैल्यूज हम फिलअप करेंगे तो हमारे पास मीडियन कैलकुलेट हो जाते हैं 38। उसके बाद हमारा कॉलम होता है एक्स आई, एक्स आई वैल्यूज क्या है, दीज आर द क्लास मार्क्स, यानी कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स आए हैं इनके बीच की मिड वैल्यू, यानी कि 15.5 और 20.5 को ऐड करेंगे और उसका हाफ लेंगे तो मिड वैल्यू हमारे पास आती है 18, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्लास मार्क्स का। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी एक्स आई वैल्यूज है उसमें हमने मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है, मीडियन की वैल्यू क्या है 38, यानी कि 18 में से जब हम 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या आएगी -20, 23 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -15, यहां पर -10, देन इस तरह से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट होती है। एक कॉलम और बनता है मैग्नीट्यूड वैल्यू का और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई के साथ, तो एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा एडिशन आता है 735। तो जो मीन डेविएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइड बाय एन। तो इस तरह से मीन डेविएशन हमारे पास कैलकुलेट होता है 7.35।
तो इसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हमने बीच में छोड़े हैं मीन डेविएशन के लिए, चाहे वो मीन से रिलेटेड है या फिर मीडियन से रिलेटेड, आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।